हेलो गाइस, शुभ दोपहरी। और आज हमारे गुलर भोज वार्ड नंबर 4 में कैंप लगा है। फुटेला हॉस्पिटल के डॉक्टर वगैरह आए हैं चेकअप के लिए, और ये मतलब हड्डी और काय काय की बीमारियों का कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल निःशुल्क हो रहा है इन लोगों को। देखो पर्ची वगैरह मिल गई है, सब कुछ मिल गया। और इसमें मतलब संतान दंपतियों के लिए भी माँ बनने का सपना पूरा, उत्तराखंड का एकमात्र केंद्र, ये सब, ये भी इसका भी परामर्श सब दे रहे हैं। तो चलो मैं भी चलती हूँ, ये लोग तो मुझे रास्ते में मिल गए। और मैंने कहा एक छोटा सा ब्लॉग हो जाएगा गाइज, और दिखाती हूँ अभी आपको। देख सकते हैं ये जो एम्बुलेंस खड़ी है, इसी में आए हुए हैं हमारे डॉक्टर की टीम। धीरे धीरे लोग जा रहे हैं, वैसे अनाउंस कर दिया था, धीरे धीरे ही लोग आ पा रहे हैं। और भाभी अरे चलो, और गाइज आते जा रहे हैं सब लोग, अपनी पर्ची वगैरह बनवाते जा रहे हैं। निःशुल्क कैंप लगा है, देख सकते हैं फुटेला अस्पताल। चंद्रा देवी कौन है? और ये बहुत अच्छी बात है, हमारे गुलरपुर जैसे क्षेत्र में इनकी टीम आई और सबका मतलब निःशुल्क चेक कर रहे हैं डॉक्टर्स, देख सकते हैं, और वजन ले रहे हैं। और रुक्मणी दीदी चेक करा लिया आपने? अभी अच्छा, हमारे पड़ोस की भावना भंडारी जी का नंबर आ चुका है और वो भी दिखा रहे हैं। वैसे सबको आना चाहिए, लाभ उठाना चाहिए, और निःशुल्क शिविर लगा है। इधर पर्ची कट रही है, और कुछ लोग मैंने दिखाया था गाइज आपको, वो लोग पर्ची वगैरह दवाई लेकर चले गए हैं। और गाइस शाम 3 बजे तक का टाइम है, और आइए और अपने को दिखा सकते हैं। निःशुल्क लगा हुआ है यहाँ पर शिविर, और जैसा कि मैंने बताया, मैं हर यहाँ के छोटे मोटे हर प्रोग्राम आप लोगों के संग शेयर करती हूँ। गाइस इंदिरा गढ़िया देवभूमि उत्तराखंड ब्लॉग्स में आप सबका तहे दिल से स्वागत है, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए और अपना प्यार दीजिए। तो गाइज शाम को 3 बजे तक ये लोग यहाँ पर रहेंगे, और सब लोग इसका लाभ उठा सकते हैं। स्वस्थ रहो, मस्त रहो। और ये जो मैं यहाँ पर खड़ी हूँ, ये जो भवन है, मैं बार बार दिखाती हूँ, ये हमारे क्षेत्रीय विधायक पूर्व शिक्षा मंत्री श्री अरविंद पांडे जी द्वारा बनाया गया है। उन्होंने मतलब यहाँ काफ़ी विकास करा इस क्षेत्र में, और जो हम गांव वालों की परेशानी थी, हमारे पास ज़्यादा जगह नहीं है, और जैसे छोटा मोटा कोई फंक्शन होता है, जैसे हमारे कई मीटिंगें अटेंड करते हैं, तो यहाँ पर उन्हीं के सौजन्य से हम लोगों को अभी इसमें और भी विकास होगा। देख सकते हैं आप, ये जो जगह खाली पड़ी हुई है, इसमें अभी और भी विकास होगा ऐसा तो ठीक है गाइज, आज का ब्लॉग मैं यहीं पर एंड करती हूँ। बाय बाय, फिर मिलेंगे न्यू ब्लॉग के साथ।